नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम प्रगतिवादी कवि नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद की व्याख्या करेंगे। अकाल और उसके बाद नागार्जुन की एक छोटी कविता है, लघु कविता है, जो कि 8 पदों की है। इसे इंग्लिश में ऑक्टेव और हिंदी में अष्टा और अष्टपदी कहा जाता है। कई तरह की कविताएं होती हैं, जैसे 14 लाइन की होती है, सोनेट कहते हैं, एक लंबी कविता होती है, शोक गीत होता है। तो इस तरह कविताओं के अलग अलग नाम रखे जाते हैं। दोहा होता है, 2 लाइन में दोहा होता है, चौपाई होती है, तो इंग्लिश में 2 लाइन को कॉपलेट कहा जाता है, 3 लाइन वाली को ट्रिपलेट कहा जाता है, 4 लाइन को क्वार्टलेट कहा जाता है, 5 लाइन को भी क्वाइंटेंट कहा जाता है, और 6 लाइन को वाली को सेस्टेट कहा जाता है, और 7 लाइन को सेप्टल कहा जाता है, सप्तपदी, अष्टपदी, हाइकू छंद। तो इस तरह कविता अलग अलग तरह की होती है। तो ये एक लघु कविता है। इसमें नागार्जुन ने अकाल के समय का और अकाल के बाद का वर्णन किया है, यथार्थ वर्णन किया है कि इस कविता में कवि ने दीनहीन गरीबों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है। प्रगतिवाद के जितने भी कवि हुए हैं, उन्होंने शोषितों का या दीनहीन गरीबों की के प्रति सहानुभूति व्यक्त की है, और शोषक वर्ग की किस तरह से शोषित वर्ग का शोषण करते हैं, ऐसी ये बातें उन्होंने अपने हर कविता में दिखाई दे जाती है, उनकी प्रगतिवादी कविता में, हर कविता में। क्योंकि इसमें प्रगतिवाद में पूंजीवादी और जो मार्क्सवाद से संबंधित जो चीज थी, वही हमारे साहित्य में प्रगतिवाद था। जो साहित्य में मार्क्सवाद था ना, वही हमारे साहित्य में प्रगतिवाद था। तो प्रगतिवाद में हम शोषक और शोषितों का वर्णन ही करते हैं। अपेक्षित वातावरण के निर्माण हेतु कवि ने वस्तुओं, पदार्थों और चेतन प्राणियों की परिगणना की है। कवि ने अकाल के समय के मुंह बोलते चित्र अंकित किए हैं, और कविता के जो दूसरे दृश्य है, जो लास्ट की 4 लाइन है, अंतिम 4 लाइन पंक्तियां हैं, उनमें अकाल के बाद की स्थिति का वर्णन किया है कि वास्तव में कवि ने इस लघु कविता में अकाल और उसके बाद के समय के वातावरण का सृजन किया है। चलो व्याख्या करते हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो इसमें गश्त जो शब्द है उसका अर्थ है चक्कर, चक्कर काटना या पहरा देना, और शिकस्त का अर्थ है पराजित होना, पराजय, हार। तो अब प्रसंग में हम वही रिपीट करेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की, समकालीन हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित हिंदी में संकलित हिंदी साहित्य के प्रगतिवादी कवि कथाकार नागार्जुन द्वारा रचित लघु कविता अकाल और उसके बाद से अवतरित किया गया है। इसमें कवि ने बिहार में पड़े अकाल का वर्णन किया है कि जब देश के कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कि जब देश के भूखंड में, भूभाग में या बिहार में जब अकाल पड़ गया था, तो अनेक दिनों तक, कई दिनों तक चूल्हा रोया, अनेक दिनों तक चूल्हा रोता रहा, अर्थात किसी ने किसी के घर में भी खाना नहीं बना। चूल्हा रोने का मतलब क्या है कि चूल्हा आराम से ठंडा चूल्हा ही रहा और उस पर किसी ने खाना नहीं बनाया। घर में अनाज या आटा होता तभी तो रोटी पकती। चक्की रही उदास, तो चक्की बेचारी, जो चक्की है, चक्की आटा पीसती है, तो बेचारी चक्की भी उदास बनी रही, अर्थात उसके पास आटा पीसने के लिए नहीं आया। कई दिनों तक कानी कुतिया, जो उन्होंने कुतिया, जैसे गांव में कुत्ते पाल लेते हैं, तो वो उस एक जो कुतिया थी उसका नाम रखा था कानी कुतिया। तो उसके बारे में कहता है कि लंबे काल तक यह कानी कुतिया उस चक्की के पास पड़ी सोती रही, किसी ने उसे भगाने का प्रयत्न नहीं किया। भाव यह है कि अकाल पड़ने के कारण न तो घर का चूल्हा जला और न ही चक्की में अनाज पीसा गया। कवि पुनः कहता है कि कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, कि लंबे काल तक घर की दीवारों पर जब छिपकलियां चक्कर काटती हैं या छिपकलियां पहरा देती हैं, तो उनको भी खाने के लिए कुछ नहीं मिला। सभी घरों के चूल्हे
चूहे ठंडे पड़े हुए थे, वे मानो पराजित से दिखाई थे देते थे। इतना भयंकर अकाल पड़ गया था कि लोगों के पास न तो पीसने के लिए आटा था और न ही रोटी पकाने के लिए आटा था। मतलब के जो पीसने के लिए तो अनाज नहीं था और रोटी पकाने के लिए आटा नहीं था। तो यहाँ पर कवि ने बिहार के अकाल का यथार्थ पूर्ण दृष्टिकोण से वर्णन किया है। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कोई ने खुजलाई पांखे कई दिनों के बाद। तो वहां तो था जब अकाल पड़ा हुआ था उस समय का दृश्य है, यहाँ पर अकाल के बाद का दृश्य है। जब हालत थोड़ी सी सुधर गई थी तो कवि ने उसका बिहार में अकाल के बाद का किस तरह से वर्णन किया है वो इन पंक्तियों में नागार्जुन ने बताया है कि अकाल के समाप्त होने की स्थिति का वर्णन करता हुआ कहता है कि जब अकाल समाप्त हो गया था, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, कि लंबे समय के बाद घर में दाने मतलब अनाज आया था। अनाज के आने से धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। अनाज के आने से निश्चय ही चक्की भी चली होगी और खाना पकाने के लिए चूल्हा भी जलाया गया होगा और उस चूल्हे से धुआं भी निकला होगा। धुआं उठा आंगन से ऊपर, जब चूल्हा जलेगा तो धुआं उठेगा। तो कहता है कि इसलिए कई दिनों के बाद घर के आंगन से धुआं उठकर ऊपर आकाश में जाने लगा। घर के आंगन से धुआं उठने का अर्थ है कि घर में भोजन पकाया गया है और लंबे समय के बाद आंगन के सभी सदस्यों की आंखों में सभी एक नई चमक सी आ गई है। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कि घर के सभी सदस्यों की आंखें चमक उठी है। भोजन कोए ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद, और भोजन को पकता हुआ देखकर कौआ भी घर की मुंडेर पर आकर बैठ गया है। वह अपने पंखों को खुजलाने लगा क्योंकि उसके मन में भी आशा जगी कि उसे भी अब तो रोटी का टुकड़ा मिलेगा। जब घर में रोटी पकती है तो पक्षियों के लिए निकाली जाती है। गाँव में देखना, एक गाय के लिए निकालते हैं, एक पक्षियों के लिए निकालते हैं और एक कुत्ते के लिए भी निकालते हैं। तो कहता है कि जब घर में रोटी बनेगी तो उससे सबको आस हो जाती है, तो सबके लिए निकलेगी, और जब नहीं पकती तो इसीलिए इसने यहाँ पर काने कुतिया का, कौवे का वर्णन किया है नागार्जुन ने कि वो भी जब तक उनके घर में खाना नहीं बना तो वो भी उनको भी खाना नहीं मिला। तो कवि ने काल के बाद की बदली हुई स्थिति का अत्यंत भावपूर्ण चित्रण किया है और आंगन में धुआं उठना, आंखों में चमक आना कवि ने मुहावरों का प्रयोग किया है और किसान के प्रति कवि की पूर्ण सहानुभूति व्यक्त हुई है और भाषा सहज सरल व भावानुकूल है। अनुप्रास और मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग किया है, और मानवीकरण अलंकार होता है जब जड़ पदार्थों पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है तो वो होता है मानवीकरण अलंकार, और अनुप्रास अलंकार का भी कवि ने प्रयोग किया है। वर्णों की बार बार जब आवृत्ति होती है तो वो होता है अनुप्रास अलंकार। धन्यवाद।